गाइस, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि दुनिया की सबसे महंगी फिल्म यानी कल्कि 2898 AD सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, जिसमें प्रभास, कमल हासन, दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन जैसे तमाम कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। और आपके माइंड में भी ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि एक तो इसकी टिकट इतनी महंगी है और इतनी गर्मी में इतने पैसे लगा के इसे देखने जाना वर्थ इट है भी या नहीं, कहीं ये आदि पुरुष की तरह तो नहीं निकलेगी क्योंकि उसका बजट भी 600 करोड़ ही था। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये पैसा वसूल करने वाली फिल्म है भी या नहीं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो ये मूवी बेसिकली महाभारत का सीक्वल है और यही सीन्स इस मूवी के मेन हाइलाइट्स हैं, क्योंकि ये सीन्स देख के लिटरली आपके भी गूज़बम्स आ जाएंगे। इस 3 घंटे की मूवी में आपको वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो महाभारत में हुआ, पर कुछ फिल्मी अंदाज में। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि महाभारत तो हम कहीं भी पढ़ सकते हैं, पर इस मूवी में ऐसा क्या है जिसके पीछे दुनिया इतनी पागल हो रही है। तो आपने ये तो सुना होगा कि कृष्ण जी जो हैं वो धरती से जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इस पृथ्वी को चला कौन रहा है। तो फिल्म की शुरुआत होती है युद्ध के मैदान से, जहां श्री कृष्ण अश्वत्थामा को कभी ना मरने का श्राप देते हैं। हालांकि इस श्राप के साथ साथ वो अश्वत्थामा को अपनी गलती मानने का एक मौका भी देते हैं। श्री कृष्ण अश्वत्थामा से कहते हैं कि हजारों साल बाद जब दुनिया के हर कोने में सिर्फ बुराई होगी, जब लोगों पर अत्याचार बढ़ने लगेगा, तब भगवान के एक अवतार कल्कि का जन्म होगा। हालांकि उनका जन्म इतना आसान तो नहीं होगा, वो धरती पर ना आए इसके लिए राक्षसी शक्तियां पूरा जोर लगाएंगी। और इस परिस्थिति में अश्वत्थामा को भगवान की सुरक्षा कर अपने पाप धोने का मौका मिलेगा। अब टाइम 6000 साल आगे बढ़ चुका है, जहां दुनिया का एक आखिरी शहर काशी दिखाया गया है। इसी शहर के अंदर कॉम्प्लेक्स नाम का एक अलग एम्पायर है। इसका रूलर सुप्रीम यास्किन यानी कमल हासन अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए एक अलग तरह का एक्सपेरिमेंट करता है। वो इसके लिए लड़कियों की कोख से निकलने वाले सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट करता है और इसी के जरिए वो अपने लैब में कई लड़कियों की जिंदगी खराब कर चुका है। काफी एक्सपेरिमेंट के बाद उसकी लैब में एक लड़की सुमति यानी दीपिका पादुकोण प्रेग्नेंट हो जाती है। सुमति के प्रेग्नेंट होते ही दूर बैठे अश्वत्थामा को ये एहसास हो जाता है कि भगवान अब उसी के रूप में दुनिया में कदम रखने वाले हैं। सुमति वहां से भाग जाती है और रास्ते में उसकी सुरक्षा के लिए अश्वत्थामा मिलते हैं। दूसरी तरफ भैरवा यानी प्रभास कैसे भी करके यास्किन के कॉम्प्लेक्स में घुसने की कोशिश करता है और इसके लिए वो कॉम्प्लेक्स के बुरे लोगों को इम्प्रेस करने में लगा रहता है। वो कॉम्प्लेक्स के लोगों को ये यकीन दिलाता है कि वो सुमति को ढूंढ के लाएगा। फिर सुमति के लिए भैरवा और अश्वत्थामा के बीच खतरनाक लड़ाई होती है। हालांकि बीच में कुछ ऐसा होता है कि भैरवा और अश्वत्थामा साथ मिलकर सुमति की सुरक्षा के लिए भी लड़ते हैं। तो क्या भैरवा और अश्वत्थामा इन दोनों के बीच क्या कोई रिलेशन है, ये जानने के लिए तो आपको ये फिल्म देखनी होगी। और मैं इसका एंड बता के आपकी मूवी स्पॉइल नहीं कराना चाहती, इसलिए मैं इसकी स्टोरी बस यहीं तक बता रही हूँ। इसकी कहानी कुछ ऐसे दौर की है जहाँ पूरी दुनिया उलट पलट हो जाती है। जरूरत है तो एक उम्मीद की, और ये उम्मीद आती है दीपिका पादुकोण के जरिए, जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और दीपिका पादुकोण के जरिए इस उम्मीद की किरण के रक्षक बनते हैं अमिताभ बच्चन। वही कमल हासन को दीपिका पादुकोण की तलाश है और प्रभास बने हैं बाउंटी हंटर, उन्हें भी दीपिका चाहिए लेकिन अपने फायदे के लिए। कुछ इस तरह की है कल्कि फिल्म की कहानी। हालांकि डायरेक्टर ने पूरी कोशिश की है कि फैंस को कुछ ऐसी दुनिया दिखाई जा सके जो इंडियन सिनेमा में कम ही देखने को मिली है, लेकिन यही पेज फंस जाता है क्योंकि ये दुनिया हॉलीवुड और बॉलीवुड की कई फिल्मों से इंस्पायर होती नजर आती है। मैड मैक्स, ट्रांसफॉर्मर, अवतार या ड्यून और ऐसे ही कई ब्लॉकबस्टर फिल्में। और वहीं अगर आप इसे बाहुबली जैसी फिल्म समझ रहे हो ना, तो ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है क्योंकि ये उससे बिल्कुल अलग है। बाहुबली में तो हमें कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि सब कुछ इन्होंने परोस के ही दे दिया था कि ये लो और एंजॉय करो। लेकिन प्रभास की ये फिल्म समझने के लिए आपका पूरा कंसंट्रेशन मूवी पे ही होना चाहिए, क्योंकि पहली बात आपको स्टार्टिंग में यही समझ नहीं आएगा कि प्रभास का क्या रोल है इस मूवी में। और वैसे तो आप इसे प्रभास की फिल्म मानकर देखने जाओगे, लेकिन जब थिएटर से निकलोगे तो अमिताभ बच्चन की चर्चा ज्यादा करोगे, क्योंकि 81 साल की उम्र में भी उन्होंने कमाल का काम किया है और उन्हें अप्रिशिएट करना तो बनता ही बनता है क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस एकदम आउटस्टैंडिंग थी। और मेरे लिए तो इस मूवी के हीरो वही हैं। और यहाँ तक कि न्यू जनरेशन जिन्होंने अमिताभ बच्चन की ज्यादा मूवीज नहीं देखी, वो भी ये मूवी देखने के बाद उनके फैन हो जाएंगे। और ऑफ कोर्स
फ्रांसिस के VFX को हम कैसे भूल सकते हैं, और साथ ही इस मूवी के डायरेक्टर नाग अश्विनी का काम। और पूरा सेकंड हाफ जो था वो तो एकदम ऑसम है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में आपको प्रभास की एक्टिंग थोड़ी बोरिंग लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे मूवी अपना बेस पकड़ती है फिर तो भाई क्या एक्सीलेंट सीन्स दिखाए गए हैं, वो तो एकदम सुपर्ब है। वहीं अगर स्टार्स की फीस की बात करें तो फिल्म के लिए प्रभास और कमल हासन को 100-100 करोड़ रुपए मिले हैं, वहीं अमिताभ बच्चन को इस फिल्म के लिए 35-40 करोड़ मिले हैं, और इस फिल्म के लिए दीपिका पादुकोण की फीस 20 करोड़ है। और अगर दिशा पटानी की बात करें तो उन्हें फिल्म के लिए 12 करोड़ रुपए मिले हैं। 600 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म दुनिया भर में करीब 8500 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है। ये फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी 5 लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है। इस फिल्म ने ओपनिंग डे के दिन ही वर्ल्ड वाइड 175 करोड़ की कमाई कर डाली। वहीं सिर्फ इंडिया में इसने 95 करोड़ की कमाई की थी। अब दूसरे दिन यानी फ्राइडे को फिल्म की कमाई ओपनिंग डे के कंपैरिजन में काफी नीचे आ गई है। इसने सेकंड डे में 54 करोड़ की कमाई की है, यानी इसकी सेकंड डे की कमाई अप्रोक्स 43% गिर गई है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डे। अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखते हैं कि ये मूवी कितना कलेक्शन कर पाती है। आपको क्या लगता है कि ये मूवी टोटल कितना कलेक्शन करेगी, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ।